स्टूडेंट फ्रेंड, हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए मैं अपने फाइल में चला जाता हूँ, सीएसएस की फाइल में। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में चला गया और यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल की स्टाइलिंग कर लेते हैं। टेबल के अंदर मैं विड्थ इसकी सेट कर देता हूँ, सॉरी विड्थ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 310 पिक्सल। और यहाँ पे मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल ऑटो। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से पहले बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका, जो मुझे पसंद लगे, जो मुझे सही लगेगा। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं बॉर्डर यहाँ पे नन कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं इसका बॉर्डर नन कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, मुझे 10 पिक्सल चाहिए तो मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। रेडियस मतलब हमारे साइडों से हमें थोड़ा राउंडेड चाहिए। और पैडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0 पिक्सल, फिर 20 और फिर मैं 20 पिक्सल। कर्ली ब्रेसेस क्लोज और यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा जैसे दिख रहा है, मुझे कलर कुछ सही नहीं लगा, मैं कलर कोई और चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा लाइट ब्लू करके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही लग रहा है मुझे। तो हम फर्दर अब हेडिंग की अपनी स्टाइल करेंगे। ये जो वेब कैलकुलेटर लिखा पड़ा है, मैंने जो वेब कैलकुलेटर लिखा हुआ है उसकी हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्लास बनाई थी हेडिंग के नाम से, तो मैं डॉट हेडिंग के नाम से डॉट हेडिंग, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर मैं यहाँ पे कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कलर कैसा चाहिए, यहाँ से कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ 30 पिक्सल कर देता हूँ। और मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कर्ली ब्रेसेस स्टॉप बंद करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा बड़ा हो गया। मुझे थोड़ा बोल्ड भी चाहिए, तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी होती है, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बोल्ड हो गया। तो अब हम फ्रेंड्स अपने इनपुट पर हम काम करेंगे, इनपुट की स्टाइलिंग करेंगे। तो इनपुट को हम कर लेते हैं, हमने जो आईडी डिफाइन की थी हैश इनपुट और कोमा हैश आंसर, हम दोनों की एक ही स्टाइल करेंगे, सॉरी आंसर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। और यहाँ पे मैं इनकी हाइट पहले सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल, मुझे 50 पिक्सल हाइट चाहिए। और मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ इसकी, मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लाइन इसका राइट चाहिए, मुझे लेफ्ट में ना दिख के राइट में दिखे, तो मैं राइट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं बॉर्डर यहाँ पे नन कर देता हूँ। और मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 260 पिक्सल, यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये हमारा देख लीजिए, हमारा बढ़ गया है। अब हम फर्दर स्टाइल करेंगे, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा राउंडेड मुझे शो हो, जैसा मैंने अपने टेबल को राउंड शीट शो कराया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हैश इनपुट कर्ली ब्रेसेस, सॉरी हैश इनपुट कर्ली ब्रेसेस, और बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस मुझे टॉप लेफ्ट पर 5 पिक्सल चाहिए और राइट पर 5 पिक्सल चाहिए, मुझे बॉटम लेफ्ट और राइट पे मुझे 0 चाहिए, कि मुझे वहाँ से ना मेरा राउंडेड हो। रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे टॉप पे और यहाँ पे हो गया, बट हमें नीचे से नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने आंसर वाले को भी हम करेंगे। उससे पहले मैं बॉर्डर शेडो दे देता हूँ, मुझे शेडो भी दिखना चाहिए, उसके लिए शेडो 2 पिक्सल और कलर ब्लैक हो शेडो का। उसके बाद मैं चाहता हूँ फॉन्ट कलर जो हो, या सॉरी मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो देख लीजिए ब्लैक आ रहा है हमें साइड से। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ क्योंकि तो मुझे जो पसंद ये वाला मैं कर लेता हूँ कली ब्लू। और ऐसे ही हम स्टाइलिंग अब आंसर वाले पे भी करेंगे, तो ऐश आंसर यहाँ पे मैं उसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, टॉप लेफ्ट से हमें ज़ीरो चाहिए और राइट से भी हमें ज़ीरो ही चाहिए और बॉटम से हमें सेम वैसे ही जैसा हमने ऊपर 5 पिक्सल 5 पिक्सल दिया था। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और ऐसे ही मैं शेडो भी दे दूँगा, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कली पे क्लोज करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देख लीजिए मेरा शेडो भी आ गया है। तो अब हम फर्दर इन बटन की स्टाइलिंग करेंगे, तो हमारा बटन जो है इनपुट टैग में है, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे बटन की सारी इनपुट टैग हैं ये, तो मैं इसी से इसकी स्टाइलिंग करूँगा इनपुट और टाइप बटन यूज़ करके। यहाँ पर मैं इनपुट और स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा क्लोज करूँगा, सॉरी स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप जो इसकी है कि टाइप बटन है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें मैं हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल और मैं विड्थ इसकी भी मैं इसकी 60 पिक्सल ही दे देता हूँ, मुझे 60 पिक्सल ही चाहिए। तो विड्थ यहाँ पे मैं 60 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे कलर इसका मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा सही रहेगा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट, ये बैकग्राउंड पे ऐसा चाहिए। इसका मैं मार्जिन 1 पिक्सल दे देता हूँ कि इनमें थोड़ी स्पेसिंग हो 1 1 पिक्सल की, और मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ सभी तरफ से 8 पिक्सल हो। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर इसमें ना हो कोई शो तो 0 पिक्सल दे देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ जी फ्रेंड्स, ये देख लीजिए बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल मार्जिन भी हो गए सेट, सही लग रहा है हमें, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं बट इसकी फ़ॉन्ट की वेट थोड़ी बढ़ा देता हूँ कि मुझे फ़ॉन्ट सही से दिख नहीं रहे थे, मैं यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका 25 पिक्सल दे देता हूँ कंट्रोल एस करके। अब रिफ्रेश करता हूँ, जी हाँ फ्रेंड्स ये हमें दिख रहे हैं। अब मैं इसके हॉवर पे हॉवर इफेक्ट पे स्टाइलिंग करूँगा कि मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ तो कुछ अलग कलर शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ऊपर से यही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँ उसके हॉवर पर इफेक्ट है, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सॉरी कर्सर की जगह सॉरी मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कर्सर दे देता हूँ पॉइंटर और रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देख लीजिए जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे कलर चेंज हो रहा है और उसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट कलर भी। तो अब हम फ्रेंड इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने क्लियर और कंप्यूटर साइन की, तो उसके लिए हम अपने जहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया वहीं पे स्टाइल कर लेते हैं जिसको हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल में कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कि वाइट हो, टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट चाहिए, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसकी मैं थोड़ी विड्थ दे देता हूँ कि विड्थ थोड़ा बड़ा मुझे दिखे,
इसकी विड्थ यहाँ से 125 पिक्सल करके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये मुझे सही लग रहा है। ऐसे मैं साथ की भी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मुझे कंप्यूटर भी चाहिए, मेरा कंप्यूटर यहीं पर ये रहा। मैं ऐसा करता हूँ ऊपर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जस्ट मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से जस्ट चेंज कर ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बन गया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम फर्दर अब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।